दोस्तों ये है Apple Vision Pro। दोस्तों ये Apple की तरफ से आने वाले पहले VR glasses हैं। ये आपको normal VR glasses लग रहे होंगे, लेकिन इसके फीचर बहुत ही तगड़े तगड़े हैं। इसको आप आंखों से कंट्रोल कर सकते हैं, जी हाँ, और इसको बिना टच किए इसकी एप्स को ओपन कर सकते हैं हवा में। तो चलिए देखते हैं कि Apple का ये Vision Pro किस तरह काम करता है और इसके और क्या क्या फीचर्स हैं। और लास्ट में बात करेंगे इसके प्राइस की, इंडिया में आने के बाद इसका प्राइस कितना होने वाला है। हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं द बिग शॉट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं Apple Vision Pro। दोस्तों पेश है आपके सामने Apple Vision Pro VR हेडसेट। ये Apple की तरफ से आने वाला पहला VR हेडसेट है, जो कि नॉर्मल VR हेडसेट से बिल्कुल ही अलग है। नॉर्मल VR ग्लासेस की तरह इसमें आपको मोबाइल लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट ट्रांसपेरेंट 4K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। इसकी डिस्प्ले को आप 100 इंचेस तक बड़ा कर सकते हैं, यानी कि बड़ा 100 इंचेस का डिस्प्ले कैसा लगता होगा जब आपके इतने करीब कैसा लगता होगा यार, आंखें ऐसी ऐसी नहीं होगी? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसकी डिस्प्ले आपको थोड़ा डिस्टेंस पर ही दिखेगी, जिस तरह आप टीवी देखते हैं थोड़े डिस्टेंस से, ठीक उसी तरह। इसमें आपको कानों के दोनों तरफ हाई क्वालिटी स्पीकर्स देखने को मिलती हैं, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। इसमें आपको एक ऑडियो का फीचर मिलता है, ऑडियो रे ट्रेसिंग, जिससे ये आपके रूम के हिसाब से ऑडियो प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपने कमरे में बहुत तगड़ा साउंड सिस्टम लगा रखा है, जो कि आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को और भी बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको अपनी आंखों से कंट्रोल कर सकते हैं, Apple Vision में आपको 3D एप्स देखने को मिलती हैं, जिसको आप अपनी आंखों से नेविगेट कर सकते हैं, और आप इसको बिना छुए एप्स को ओपन कर सकते हैं। ऐसे हवा पर टैप करके आप जिस ऐप पर टैप करेंगे वही एप्लीकेशन ओपन होगी। ऐसा नहीं है कहीं पर भी टैप हुआ कुछ भी भूल गया, क्योंकि इसके अंदर और बाहर कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि आपकी आंखों और हाथों को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंट 4K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब नॉर्मल VR में क्या होता है कि उसमें आपको मोबाइल लगाना होता है, उसको अपने सर पर लगा लेना होता है, उसके बाद आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय वीडियो के। लेकिन इसमें आपको आगे भी दिखाई देगा कि आपके सामने कौन घूम रहा है, और जो आपके आगे बैठा होगा इंसान उसको भी आपकी आंखें साफ साफ दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो की क्वालिटी बेकार हो जाएगी, वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, जैसे कि आप 4K टीवी में देखते हो, है ना कमाल की चीज। Apple Vision Pro में सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल ID का यूज किया गया है। अगर आपने इसमें ऑप्टिकल ID लगा रखी है, आप इसको अपनी आंखों से उतारते हो तो ये डिवाइस लॉक हो जाता है और कोई दूसरा इसे यूज नहीं कर सकता। ऑप्टिकल ID उसी तरह काम करती है जिस तरह फेस ID काम करती है। Apple Vision Pro में आपको पैनोरामा मोड मिलता है, जिससे डिस्प्ले पूरा फैल जाता है। अगर आप कहीं घूमना चाहती हो बिना पैसों के, तो आप कोई सा भी अच्छे प्लेस का वीडियो चलाइए और घूमाइए कुछ इस तरह। कहा था ना मैंने इसमें बहुत खतरनाक फीचर्स हैं। Apple Vision Pro को आप MacBook से कनेक्ट करके उसकी डिस्प्ले को भी 100 इंचेस तक बड़ा कर सकते हैं। Apple Vision Pro में एक दिक्कत है, इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको एक अलग बैटरी दी जाती है, जो कि केबल से कनेक्ट करके आपको अपनी पॉकेट में रखनी होती है, और उस बैटरी का बैकअप भी बहुत ही कम है, ओनली 2 आवर्स का। उसमें तो एक फुल मूवी भी नहीं देख पाओगे। अगर आपको एक फुल मूवी देखनी है तो आपको 2 बैटरीज परचेज करनी होगी। Apple Vision Pro में 2 प्रोसेसर्स का यूज किया गया है। पहला है M2, जो कि Apple अपने MacBook में यूज करता है, और दूसरा है इनका नया R1 चिप, जो कि हाई स्पीड ग्राफिक्स और फास्ट सेंसर प्रोसेसिंग के लिए है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग मिलती है। भाई मुझे एक बात का डर है कि कहीं Apple Vision Pro को लगाने से हमारी आंखें खराब तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जब हम VR बॉक्स लगाते हैं कोई भी नॉर्मल सा, तो वो 1-2 घंटे लगाने के बाद हमारा सर दुखने लगता है, जबकि उसमें हमने मोबाइल लगा रखा है, वो भी अपनी लाइट सेटिंग करके। लेकिन इसमें तो डिस्प्ले लगा हुआ है ऑलरेडी, कहीं ऐसा ना हो इसको 4 दिन लगाने के बाद हमारा हाल कुछ ऐसा हो जाए। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या ये हमारी आंखों को सुरक्षित रख पाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों इंडिया में आने के बाद इसका प्राइस होने वाला है लगभग 3 लाख रुपए। क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको Apple Vision Pro कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।